स्वामी मधु परमहंस जी, जिनका अद्भुत नाम लेते मन मधुबन बन जाता है, जिनकी वाणी सुनते ही हृदय पुलकित हो उठता है, ध्यान लगते ही आत्मा आलोकित हो परमात्मा के दर्शन करने लगती है, ऐसे श्री सतगुरु की महिमा का वर्णन कहाँ तक करें जो अनंत हैं। मुझसे किसी ने प्रश्न किया, आत्मज्ञानी की क्या पहचान है। वाह, मैंने कहा जो किसी भी इंद्रिय का आनंद नहीं ले रहा है आत्मनिष्ठ है वो। एक आत्मज्ञानी इंद्रियों के आनंद को अपनी आत्मा तक पहुंचने में बाधक मानता है, इसलिए पांचों इंद्रिय सम कर रखे वो किसी भी इंद्रिय का आनंद नहीं लेता है। वो जानता है इंद्रिय के आनंद के कारण से मेरा कंसंट्रेशन माया में फंसेगा, इसलिए वहां से वो अपने पूरे कंसंट्रेशन को वापस लाता है। क्यों लाता है? क्योंकि जैसे ही मेरा ध्यान अपने से बाहर निकलेगा मैं माया में फंस जाऊंगा, पलट वजूद में अजब विष्ठा में, इसलिए वो पलट करके अपने में रहना चाहता है। ठीक है, वो अपने में आना चाहता है, इसलिए स्वानंद स्वानुभूति निजानंद आत्मानंद की प्राप्ति के लिए वो कभी विषयानंद की तरफ नहीं जाता है। उसको पता है इंद्रियों के आनंद के लिए जैसे मैं निकलूंगा तो ये मुझे दौड़ाएगी, मैं स्वरूपानंद को भूल जाऊंगा। इसलिए अगर कोई आदमी इंद्रिय आनंद प्राप्त कर रहा है ये कैसे पता चलेगा? पहले अच्छा अच्छा खाना चाहेगा, ठीक है, स्वादिष्ट रूखा सूखा साग अलूना और प्रेम से पाए दूना, अपने का वेल मेकअप करेगा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आदमी के अंदर सेक्सुअल फीलिंग है, सेक्स है या नहीं ये कैसे पता चले? आदमी बड़ा चालाक है, अपने दोषों को पीछे छिपाकर गुणों को बाहर रखता है। क्यों रखता है? वो अपनी तारीफ चाहता है। चोर भी चाहता है मुझे दुनिया तारीफ दे। इंद्रियों का आनंद लेने वाला है या नहीं वो आत्म निग्रह कर रहा है, आत्मनिष्ठ है या नहीं इसकी पहचान बताता आत्मज्ञानी की। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को जीता कि नहीं इसकी पहचान बताता। काम क्रोध मत लोभ अहंकारा वही साधु जो इनको मारा, इंद्रियों को साधने वाले की पहचान। रूखा सूखा साग अलूना और प्रेम से पाए दूना, वो कभी प्रथम जिभ्या इंद्रियों को साधना ये बहुत डेंजर है, विविध स्वाद चाहती है, वो इनको स्वाद नहीं देता है। क्यों? इन सभी आनंदों की अनुभूति हमारा ब्रेन करता है, इसलिए वो इसको कंट्रोल रखता है। इसके लिए हमें छल कपट तमाम काम करने पड़ते, इसलिए वो स्वादिष्ट आहार की तरफ नहीं जाता है। ठीक है, वो परहेज कर रहा है। दूसरा कान, कान मधुर और तारीफ सुनना चाहते, इसलिए अस्तुत निंदा से विचलित नहीं हो रहा है, वो स्थिर है। किसी ने कहा तुम्हारी निंदा की, वो विचलित नहीं हो रहा है। तीसरा सुंदर रूप चक्ष की पूजा, कुछ इंसानों को देखना सुंदर कोई स्त्री लड़की मिली उसकी ओर आकर्षित होते हैं, जो साधारण है वो आत्मवतम सर्वभूतेषु वो सौंदर्य की ओर आकर्षित नहीं होता है। ए मैन कैन फूल टू पीपल सस्टेन बट नॉट ऑलवेज, आप पढ़ लेंगे वो, ठीक है, नासका पर नियंत्रण, खुशबू आंखों प्रथम चक्षेंद्रिय को साधे बड़ी जालिम है ये, विविध दृश्य ये वगैरह देखने के लिए, सीने देखने के लिए, स्थान घूमने के लिए वो भटकाती है। ठीक है, वो स्थिर है, उसको कहीं शौक नहीं है, उसने संग्रह कर लिया इंद्रियों को, इंद्रियों का निग्रह किया। साहब कह रहे हैं इंद्रिय पसारा रोक ले तो सब सुख तेरे पास, उसको दुनिया बुद्धू कहेगी। देखिए किसी बच्चे को आप देखते सुंदर है, आप उसे पकड़ कर आलिंगन करते चूमते, क्यों कर रहे हो ऐसा? स्किन ये प्यार चाहती, वो ये नहीं करेगा। हाथी सेक्स के कारण मर जाता है, मारा जाता है, उसमें ज़्यादा सेक्स है, तो उसको पकड़ने के लिए क्या करते हैं? जंगली जंगल में हथनी को बांध देते पालतू, और उसके आगे एक खाई खोदते हैं, ऊपर कैमोफ्लाइज करके पत्ते लिए देते। हाथी हथनी को देखकर दौड़ता हुआ आता है,
धड़ाम से खंड में गिर जाता है। पहले उसे 6-7 दिन 8 दिन 15 दिन भूखा रखते हैं महावत, फिर पेड़ के ऊपर से किसी रस्सी से उसके ऊपर बैठ करके तब अपने आधीन करके काम कराता है। यहाँ देखते नहीं, आदमी गाड़ी भी चला रहा है, सुंदर स्त्री देखी तो देखता जाता है, आगे गाड़ी जाकर कुएं में टकराती है। ये आंखें हैं आदमी की, पांचों इंद्रियां जाले में, ये सब एक एक इंद्री के कारण मारे गए, इसकी पांचों इंद्रियां खतरनाक है। इसलिए साहब कह रहे पांचों इंद्री समकर रखे। वो पहला तो किसी भी इंद्री का आनंद नहीं दे, फिल्में देख रहे हैं, कहीं नाच देख रहे हैं, ये सब इनकी डिमांड है। दूसरा मन का निग्रह, उसका थॉट्स कम अपने काबू में हो, चित्त काबू में हो, हमेशा टेंशन रहे, विचलित नहीं हो रहा है, काम काबू कैसा, क्रोध कैसे काबू, ऐसी कठिन स्थिति में विचलित नहीं हो, आपा नहीं खोए, काम क्रोध मत लो अहंकार साधु सोई हो जिनको मारा। अब काम कैसे, अष्टमैथुने मैथुने अष्ट प्रकरणे, वो कैसे पता चले आदमी में कितना सेक्स है, सुनो मैथुन 8 प्रकार का है, मैथुन के 8 अंग है, वो 8ों ही मैथुन है। पहला है चितवनो, गौर से देखना है, इसका ब्रेस्ट यू है, यूं है, फलाना है, दिखाना है, ये मुखड़ा है, क्यों देख रहा है, वो उससे वार्मिंग होगा, ठीक है, एक सेक्स की आनंद की फीलिंग करेगा, ये भी सेक्स है। प्रथम है चितवनो, इसलिए नहीं देख रहे वो आजकल नंग धड़ंग फिल्में, क्यों वो इसी को देखने रहते लग जाते, ठीक है, ये सेक्स का पहला है अंग चितवनो देखना, इसलिए उसके आंख पर कंट्रोल है कि नहीं। इसलिए जब भी आदमी क्यों देख रहा है, वो उन्हीं अंगों की तरफ टटोलता है जो विषय के समय उन्हीं पर कंसंट्रेट हो रहा है, ठीक है, ये फीलिंग ही तो है ना, वो इसको कंट्रोल करे। दूसरा है बकन तो बोलना, तीसरा है श्रवण तो, इसलिए कुछ लोग ऐसे सॉन्ग सुनते हैं, ठीक है, सेक्सी गीत, वो बार बार उसी तरफ जा रहे हैं, ठीक है, ये भी सेक्स है। चौथा है अध्ययनो पढ़ना, कुछ लोग क्यों कोक शास्त्र पढ़ रहे हैं, वो इससे वार्मिंग यानी सेक्स की फीलिंग आती है उनमें, वो चेक करो। पांचवा है सुपर शो, देखते नहीं चलते चलते किसी लड़की को कहीं ऐसे वो चुटकी काट दिया, कहीं यूं कर दिया, कर रहे ना। छठा है चिंतनो, उसकी थिंकिंग करना, कुछ लोग उसी में डूबे रहते हैं। सातवां है सजन तो, अपने को टिप टाप करके आकर्षित करना, कोई भी यंग कुड़ी मुझे देख के हा किरना सोना है आशिक हो जाए, वो नहीं करे। इसलिए महात्मा अगर ये क्रिया कर रहा है, कर्लिंग फर्लिंग करके तू क्यों आया, तू तो ज्ञान को बाहर रख, इसका मतलब तेरे अंदर सेक्स है, ठीक है। जब भी आदमी किसी को आकर्षित करना चाहता है तो अपना पर्सनालिटी दिखाता है, अपनी चाल दिखाता है, अपना टैलेंट दिखाता है, वो इस काम के लिए नहीं दिखाए। इसलिए उस महात्मा की बॉडी लैंग्वेज, कभी तू राजा बन के आ रहा है, कभी तू पटका बांध कर आ रहा है, कभी तू लाल कुर्ता पहन रहा, कभी नीला, कभी अपने को हीरो बना, इसका मतलब यू आर सेक्सी, ठीक है। ए मैन कैन फूल टू पीपल सच टाइम बट नॉट ऑलवेज। इसलिए सन्यासी क्या करता है, अपनी होलिया बिगाड़ता है, पूरे बाल साफ कर देता है और अपने भवें भी काट देता है, मेरी और कोई आकर्षित नहीं हो, वो किसी को भी फिजिकल आकर्षित करने की ट्राई नहीं करे। हमारे 60-70 साल का बूढ़ा बाल काले करके घूम रहा है, वो सोचता है कोई सुंदरी अभी भी मुझ पर मोहित हो जाए, और 70 साल की बुढ़िया अपने को अभी टिप टाप करके घूम रही है, उसके अंदर भी तो ये फीलिंग है। तो आपकी बॉडी लैंग्वेज आपको बताएगी, ठीक है, कि आप किस लेवल पर हैं। डॉक्टर जो अच्छा है वो पहले आपका पर्सनैलिटी देखकर ही जान जाएगा क्या बीमारी है तुम्हें, वो जान जाता है हमारे इसका ब्लड नहीं है, एनेमिक है या क्या है, इसके अंदर क्या चीज़ है, इसकी स्किन, वो इसी तरह से वो पहले उसकी इस एक्टिविटी से पता चल जाता है कि ये आदमी कहाँ पर है, ठीक है। अरे आपके घर कोई आदमी आता है, अगर वो कुछ भी नहीं बोल रहा है, उसकी नज़र से नहीं जान जाते कि यार इसकी नज़र ठीक नहीं है, इसकी एक्टिविटी ठीक नहीं है। इस तरह लाभ हानि में समान रह रहा है, उसने इन सब चीजों को नियंत्रित किया हुआ, ये बहुत टफ है। काम प्रबल अति भयंकर, जिस तरह इंद्रियों को साधना बहुत टफ है, इसी प्रकार से काम को साधना टफ है। काम प्रबल अति भयंकर महादारुण काल, इन्हीं के लिए दुनिया में जिए जा रहा है, इन्हीं में से वो आनंद टटोल रहा है, ठीक है, इसी में रात दिन लगा हुआ है। जैसे माया मन रमा ऐसे नाम रमाए, तारा मंडल भेद कर तब अमरापुर जाए। मेरा आपसे एक सवाल है,
आप मीट क्यों नहीं खा रहे? पहले आपने आपके दो मांस का मजा है, एक है जिंदा मांस, एक है मरा मांस। जिंदा मांस का मजा है विषय भोग, वो भी तो मांस का स्पर्श है ना, और मरा मांस है हड्डी चबाना। लेकिन इस मुंह ने जब मरा मांस का स्वाद लिया, जल्दी छोड़ता नहीं। अभी आप क्यों नहीं खा रहे? आपको भय है ना, मेरे मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। इस तरह भय करना कि इन सब चीज़ों से मैं बंधन में आ जाऊंगा। आपको नाम के बाद परमार्थी जिंदगी जीनी है। तब साहब सीधा कह रहे हैं, कबीर मन तो एक है, भावे जहां लगाए, भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। इसलिए वो अपनी निगाहों पर कंट्रोल रखे, ठीक है, अपनी जीभ पर कंट्रोल रखे। मैंने तो आपको ये चीजें इतनी विश्लेषण सहित बता दी कि आप पारख कर लेंगे आगे आदमी को, ठीक है। लोभ का पता चलेगा, वो धन के पीछे रात दिन लगा हुआ है। क्रोध का भी पता चल जाएगा, एकदम हिंसक हो जाए। और ये सब एक से बढ़कर एक है जो तुम्हें जकड़े हुए है, ये मन का पंजा है। काम से अधिक क्रोध प्रचंडा, इनका वेग बड़ा तीव्र है। देखा, ये काम प्रबल, ब्रह्मा जाको कहिए, ब्रह्मा सो पुत्री संग जाए, शिवजी मोहिनी रूप पर मोहित हो गए। देवपति जो श्रेष्ठ है जाको कहिए इंद्र, ये इतने बड़े दुश्मन तुम्हारे अंदर बैठे, तुम्हें हिलने नहीं दे रहे, ठीक है। कायागढ़ खोज मेरे भाई, तेरी काल अवर टर जाई, काम क्रोध मद लोभ सब मिल यातन में करे ठकुराई। उनका यहां पर राज्य है, ठीक है, यही पूरी मन और माया है, ये कोई मामूली नहीं है। इन सब मिल जीवे घेरा बिन परचय। और देवपति जो श्रेष्ठ है जाको कहिए इंद्र, देवताओं को पद को प्राप्त करने वाला इंद्र भी गौतम ऋषि की स्त्री अहिल्या का शील भंग करने पहुंच गया। कितना बड़ा गलत काम करने पहुंचा। पराशर 1000 साल तप करके आ रहा था, पर चौधरी हरिजन कन्या नाबालिग थी, उसके साथ में संभोग किया, बलात्कार कर बैठा। कुंती कुआरी नार थी, तभी कर्ण उपजाए, इसलिए गण गंधर्व यक्ष किन्नर सबको मन ने लपेटे में लिया, सबको रगड़ रहा है, ठीक है। मना निरंजन सभ है नचाई, ये इसकी पूरी नेचर है। काम से अधिक क्रोध प्रचंडा, क्रोध और प्रचंड है, पूरा पूरा काम कर रहे हैं। आत्मदेव को पाप पुण्य से कुछ नहीं लेना, ये सभी करवा रहा है, ठीक है। कर्म करावे आप कष्ट देव पुण्य जी को, भैया हम इतना बारीकी से इसका विश्लेषण दे रहे हैं, दुनिया इस पर तो अभी बोलने शुरू किया, कभी कोई बोलता ही नहीं। सब तो कह रहे हैं मन ही परमात्मा, मन को प्रसन्न रखो, मन को प्रसन्न रखो, यही रटे जा रहे थे पूरे पूरे। मुझे खुशी है अब वो सभी महात्मा कहने लगे हैं मन को नियंत्रित करो, कम से कम मेरा इफेक्ट चाहे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में मुझे फॉलो करने लग गए हैं, ठीक है। इस तरह ब्रह्मा ने कीनो जब डापा, ब्रह्मा जी ने गुस्सा करके 6 पुत्रों को श्राप देकर भस्म कर दिया, शिवजी क्रोध करता नाश कर देते। कपिल मुनि इतना बड़ा तपस्वी था, क्रोध कर बैठे, यानी इनसे तुम नहीं निकल सकते हो। बहुत प्रबल अविद्या का परिवार, बहुत ताकतवर है, ठीक है, तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम नहीं निकलोगे, ये नियंत्रण में नहीं आते। और इनसे भी खतरनाक लोभ, साहब तो वाणी में कह रहे कामी नर्भ होते तरे, क्रोधी तरे अनंत, लोभी बंदा ना तरे कहे कबीर सिद्धंत। लोभ तो इनका भी चाचा है, कोड़ी कोड़ी जोड़कर लिखी लग सभी पाप करवा देता है। ठगी बेमानी छल कपट, लोग कहते हैं आज के जमाने में ठगियां करो कहेंगे आज का मॉडर्निस्ट आदमी है, बेमानी करो और 4 साल गर्लफ्रेंड बना के घूमो कहेंगे एडवांस है। दैट ये कौन सा एडवांस है, ये तुम्हारे नर्क में जा रहा है, पाताल में घुसा जा रहा है, ये एडवांस है क्या? ऐसा एडवांस नहीं बनाएंगे। साहब ने भक्ति पर बहुत अच्छा भक्ति का विश्लेषण किया। भक्ति न होए नाचे गाए, भक्ति न होए मृदंग बजाए, भक्ति न होए तूरे ताना, भक्ति न होए गाए गाना, आखिर भक्ति क्या है? भक्ति न होए जटा बढ़ाए। हमें भक्ति के विषय में ये तो सुना है ना, भक्ति नसेणी मुक्ति की, भक्ति मोक्षदायिनी है, मुक्ति देने वाले। देखते हैं भक्ति कैसे करें।
भक्ति करण को दाव न खाता, तुम्हारी भक्ति कौन विधेय हुई? धर्मदास जी साहब से पूछे तुम्हारी भक्ति किस तरह से करूं। हम सब अपने इर्द गिर्द भक्ति देख रहे हैं, दो सरगुण निर्गुण। सरगुण माँ सार नहीं भाई, निर्गुण नाम निरंजन राई, राखी गुप्त ने जग में फेरी। साहब कह रहे हैं सबसे बड़ी भक्ति शिवजी ने की, चार चार युग की समाधि लगाते, अधर ध्यान धुन लावे, अधर में ध्यान करता, 100 अक्षर है ररंकारा, वो ररंकार की भक्ति कर रहे, रहे अधर ब्रह्मांड के माही, वो ररंकार ब्रह्मांड में है। शिव जानत कोई जानत नहीं, शिव जी के अलावा कोई जानता नहीं उसे। तासे मेरी भक्ति नारी, वाह साहब कह रहे मेरी भक्ति उससे भी अलग है। बाको क्या जाने संसारी, उसको दुनिया क्या समझेगी, बोल रहे। सनक सनंदन सनंत कुमारा, संकाधिक ये चार अवतारा, केते ब्रह्म होए गयो, संकाधिक से निर्णय भयो। साहब कह रहे मेरी संकाधिक से गोष्ठी हुई, जिन्होंने अनंत बार कितनी प्रलय देखी थी, सनक सनंदन संकुमार संकादि ये चार। ध्यान जो करे निरंजन माही, निरंजन से कोई न्यारा नहीं। इसलिए त्रिकाल में जितने भी ऋषि मुनि पीर पैगंबर मत मार्ग धर्म आदि हुए, सब निरंजन तक की भक्ति किए। अब साहब क्या कह रहे, तासे मेरी भक्ति न्यारी, वाह ये तो चौंकाने वाली बात है। एक शब्द में आगे साहब बोल रहे हैं, ब्रह्मादि शिव संकादि अज सुर काल के गुण गावही, जो काल जीवन को सतावे तास भक्त दृढ़ावही। इसलिए पूरे ब्रह्मांड में उसी की उपासना है, निराकार निरंजन जानो। इसलिए मुसलमान कह रहे हैं बेचुना खुदा, वो भी निरंजन को मान रहे, वेदों में निराकार कहा वो भी। ईसा मसीह भी कह रहे हैं मेरा आकाशी पिता, आकाशी मीन्स शून्य। इसलिए साहब कह रहे हैं जाए निरंजन माह समाए, आगे का कोई भेद न पाए, सभी जाकर वहीं तक गए, आगे कोई नहीं गया। दादू दयाल कह रहे कुछ सरगुण में लगे हैं कुछ निर्गुण में, फिर ये क्या भक्ति है? पहले हम देखते हैं भक्ति क्या है, भक्ति किसकी करें, भक्ति करें तो कैसे करें। हम सब ने ये मान लिया है नाचना कूदना भक्ति है, हम सब ने मान लिया है कि कपड़े रगाना भक्ति है, जटाएं बढ़ाना भक्ति है, तीरथ में डोलना भक्ति है, पाहन पूजा भक्ति है। साहब क्या कह रहे हैं, भक्ति न होए नाचे गाए ये भक्ति नहीं है, भक्ति न होए मृदंग बजाए ये भी भक्ति नहीं, भक्ति न होए तूरे ताना तान तोड़ना भी भक्ति नहीं, भक्ति न होए गाए गाना ये भी भक्ति नहीं है। आखिर भक्ति है क्या? भक्ति न होए तीरथ डोले वो भी भक्ति नहीं है, भक्ति न होए भभूत रमाए कुछ भभूत रमा कर बैठ जाते कि हम भक्त हो गए ये भी नहीं, भक्ति न होए जटा बढ़ाए ये भी भक्ति नहीं। तो फिर भक्ति क्या है? भक्ति साहब की बहुत बारीक है, शीश सोबे बिना नहीं भाई हो, भक्ति तो बड़ी भक्ति कहे कबीर भक्ति पदूषा, या सीढ़ी कोई बिरला पहुंचा। वो हम सब लोगों ने तो यही भक्ति मान रखा है, साहब कह रहे ये भक्ति नहीं है, इसको भक्ति नहीं कहते हैं।